अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सैफ ज़ैनब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दम कीमा, जिसे बनाना बहुत इजी है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल डालूँगी। ये गलत बड़े साइज का टमाटर है, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था प्यूरी बना के। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है, जब तक ये टमाटर की प्यूरी जो नरम हो जाए। ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम कीमा ले लिया है। इसे मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया और इसमें शामिल कर रही हूँ। वन टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया, बिल्कुल बारीक कुटा हुआ, ये मोटा मोटा नहीं है, कम से कम आधा पैकेट है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अभी मैंने नहीं शामिल किया है, क्योंकि पता नहीं इसमें नमक है। अब इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे नींबू का रस, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। बस हमारा कीमा तैयार है। इसकी हरी मिर्चें और हरा धनिया। बस हमारा कीमा तैयार। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार दम कीमे को और मज़ेदार बनाने के लिए अब इसमें हम कोयले का दम देंगे। अभी जो कीमा बनाया है इसमें बीच में मैं फॉइल पेपर रख दूँगी और कोयला एकदम गर्म है उसको मैं बीच में रख दूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसे दम कीमे रख देंगे। अब हमारा दम हो चुका है कीमा। ये देखें, आहा क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा हरी मिर्ची डालेंगे इसमें और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। आई होप कि आज की आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।